Next. अपना नाम बताइए। शिव शंकर जिगना। What? जिगना 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 हस्ता काय हुए? यही तो बीमारी है। अरे हीले हो यार। नहीं लेकिन आपको हंसने की बीमारी है? कब से? करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपके साथ ऐसा कोई वाकिया हुआ हो जो मतलब हंसने का बना हुआ हो, तब से आप हंसे जा रहे हो? लेकिन अभी आपके चेहरे पर हंसी नहीं आ रही है। नहीं, अभी खामोश हूँ। ठीक है, तो एक मिनट। उम्र क्या है? उम्र 35। ओके, चलिए लेट जाइए। कंप्यूटर कंप्यूटर ऑर्डर करो। ओके चलिए लेटिए। ओके 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 ओके, चलिए बाहर पेशेंट देख रहे हैं। कार को उसी कार से घर लो ऊपर। ये क्या डॉक्टर साहब, यही बीमारी हंसने वाली है। अरे इतना गंभीर समस्या है। ओह अरे ये तो बड़ी भयानक बीमारी लग रही है, इसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। चलो तो पीछे खोलो। पिछड़ा हाथ में? हाथ में क्यों, पिछवाड़ा खराब है क्या? पिछवाड़े में गैस बनी हुई है। चलिए बैठिए, अभी एक चेकअप आपका और होगा। चलिए चाचा को बैठिए। हम तो हंसने की बीमारी की दूर कर रहे थे, ये कौन सी बीमारी आ गई? पेशेंट को बताना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओगे, चुपचाप से खिसका दूं, ये तो पूरा उल्टा केस हो गया। अब आप 2 दिन में 2 दिन बाद दिखाइएगा, ठीक है? 500 रुपये आपकी फीस होगी। कल दे देंगे डॉक्टर साहब, दोबारा आएंगे तब, दोबारा फिर आना है मुझे। नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है, हो सकता कहीं और चले जाओ आप, तो पहले आप ATM से आप इसको रख दे, कल तो आओगे ना। यही चलो नेक्स्ट। भाई साहब, यहाँ कोई डॉक्टर है? हमारा दांत दर्द कर रहा है, ये कोई यहाँ पर हो तो बताइए, बहुत तकलीफ है मेरे को, बहुत ही परेशान हूँ, कोई ऐसा है तो मेरे को। अरे बाबूजी, आपके बगल तो एक दुकान है भैया, जो कौन सी है हमें पता नहीं है, वो जो अशोक नगर मिश्रा जी बिजली वाले जानते हैं? हाँ हाँ हाँ, खूब जानता हूँ भैया, उसे हम बचपन से जानते हैं। बस उन्हीं के बगल में दुकान है। अच्छा, तो आपको चलो आप वहीं जाइए, आपको दांत बिल्कुल 100% ठीक करा। अरे भैया हम वहाँ पहुँच जाएंगे, अब बाबू जी हमें पहुँचा दो वहाँ तक तो और अच्छा होगा, बूढ़ा आदमी हूँ। और 2-3 खासियत है, ऐसा भी कम लेते हैं। अच्छा अच्छा, और जो दांत नहीं निकलता उसको निकाल देते हैं। चलो ठीक,
ठीक है ठीक है ठीक है, हम निकलवा लेंगे, ठीक है हम निकलवा लूंगा। चलो भैया हाँ चलिए। अच्छा अच्छा, ये हमारे पोते हैं साथ में आए हुए हैं, इनको थोड़ा सा यहीं बैठो बेटा। हाँ तुम ऐसे बैठ जाओ, मैं थोड़ा सा अपना इलाज करवा लूँ, तो फिर ये छोड़ दो हमारी धोती भैया। स्टार्ट। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते 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 पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। डॉक्टर साहब मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है कोई, अरे ये बुढ़ापे का इलाजा है, अब जरूर हम जैसे देखने। अरे रुकोगे? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा साहब, अच्छा जी अब बताइए आप। डॉक्टर साहब हमारे बाई की दाई तरफ के दांत। आप इतना परेशान क्यों होते हो? बहुत दर्द करता है डॉक्टर साहब। अरे हमारे मेरे चाचा बड़े लड़के नहीं देता जगदा बाबू आराम से लगा जगदा पकड़ तू जल्दी ये टॉनिक है, ये टॉनिक है कंपाउंडर अनुज वो पंडित जी का उनका थोड़ा बेहोश से सुन बहुत चिल्ला रहे हैं। हाँ सब आराम हो जा, आराम आराम थोड़ी सी देर और छेद थोड़ी करना है इसमें, कान निकालना है। आंख बंद। ये क्या है? वो खोलो बस, थोड़ी देर और बात है। ये देखो, अरे हम आसनी हमें करो 40 साल से करते हुए हो गया, 1 मिनट के अंदर हम अपना दांत निकाल देते पेशेंट का। ये लीजिए, देखिए देखिए आपका आप दांत। ठीक है अब आप चलिए, ये मेरा औजार हुआ, चलिए बहुत सुबह दोपहर शाम। अच्छा ठीक है। अच्छा और ये सोते समय डेली ध्यान देना, खाने के बाद 1-1 चम्मच ले लेना लोहा अमृत, 1 चम्मच ले लेना ठीक है। और बाकी कुछ दवाइयाँ बाहर से है, वैसे हमारी दिल्ली सरकार ने बोल रखा है सारी दवाइयाँ मिलेगी। अच्छा डॉक्टर, आप तो जानते हो ना थोड़ा ठीक है डॉक्टर, हम कर दिए ब्लैक में कर देता हूँ। अबे पूजा पाठ में इतना मिला नहीं है, बहुत कम मिला है। और मेरे डॉक्टर साहब आपके तो हम रिश्वत कर दिए, आपकी दवाई है। अच्छा डॉक्टर, और आप अपनी दवाई ले जाइए। अच्छा अच्छा, पोलोथीन के इंतजाम मत कीजिए, पोलोथीन नहीं बेचते हम, पोलोथीन नहीं रहते ठीक है, पोलोथीन से प्रदूषण बहुत होता है ठीक है। ठीक आप ले जाइए, तो वो कागज कागज के जो फीस फीस, अरे फालतू बात नहीं फीस तो ऐसा है महाराज, फीस हम तब दे, अभी थोड़ा सा आपका कहे ना थी सर। अरे ये मैं बहुत माल है, अगली बार जब आओगे तो मोबाइल ले जाओ ठीक। चलिए नाम तनी के लड़कन बच्चे के खबर मिलती है, चली गए अभी चलते रहो। चलिए वाह, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं। अरे हॉस्पिटल बना जाओ, मेरी बात है। हाँ जी, नाम? आयुष। उम्र? 18। बाप का नाम? पिता का नाम? रामचंद्र मिश्रा। ठीक है, क्या हुआ आपको?
सर गैस बनी है मेरे पेट में। गैस गैस क्या ये? चलिए एकदम खुराक है, आपको जल्दी आराम हो जाएगा, ऊपर मुंह करो। चलिए आराम नहीं होगा सर, पहले पी लो। चलिए उखलो, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। अरे नहीं तो बैठो। चलिए पैसा बहुत कड़वी है। कड़वी है बदबू आ रही है, चलो फिर तो भूल जाता हूँ बार बार कुछ। भूल जाते हो? चलिए ठीक है, ये दवाई लिख दी है, कल आना। लो स्टार्ट। ए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद।